ये जी मिठू है और मिठू आ गया आज मेरे पास घूम रहा है मिठू। और इसके देखो इसको देखो इसको देखो ये भी घूम रही है इसके पीछे। फैमिली तो हम जा रहे हैं कहीं काम, इसमें थोड़ा पेट्रोल शेट्रोल भराना है, वो भराते हैं गाड़ियों में। और ये रहा बाबर, अपनी गाड़ी को भी सफा शफा कर रहा है और बड़ा भाई भी साथ है। आज तीनों गाड़ियों में पेट्रोल भराते हैं और फिर आते हैं वापस, देखते हैं आज की रूटीन क्या है। हमने आज पेट्रोल दोनों गाड़ियों में डालना था, लेकिन आज बाबर की गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा आ चुका, पता नहीं क्या हो जाए। कितना आ जाए? 13 लीटर। अच्छा जी, इसमें मतलब इसमें ज़्यादा था, कुछ पहले था इसमें 5-6 लीटर पड़ा है, फुल हो गए टैंकी। और भाई की गाड़ी में पड़ रहा है पेट्रोल और चल रहे हैं वापस। ठीक है, कपड़ा रहे उतार और जा रहे हैं, पेट्रोल भराना है गाड़ी में और अपने बैगों में भी भराना है। चलते हैं और दिखा तो आप कहाँ जा। और ये देखो ये जा रहे हैं कुछ सौदे सूद लेने। और भाई चलता क्यों नहीं है? नहीं यार, ये मेरे पैर जाम लगा रहे हैं, इसको कह रहे हैं खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए तो खैर। हाजी अकबर तो अच्छा बंदा था, इसने भी ये काम कर दिया। महीने का पूरे का राशन ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं चाचा? पूरे महीने का राशन है ये देखो, तो ले रहे हैं। ये कह रहा था भी पता नहीं ये नहीं बचती, हम नहीं बचते। मेरे यहाँ पर सामान हो गया ज़्यादा और कर रहे हैं रक्षे पर, रक्षे पर बड़ा भाई और ये जा रहे हैं पर सामान रख दिया और जा रहे हैं। हम सामान जो लेना था ले लिया राशन। यहाँ घर पहुँच गए, थक पहुँच गए। और इसको देखो, ये सामान की मालिक को देखो, इसको देखो क्या सैलरी। हाँ क्या हुआ? वही देखो वीर मेरे पास आ गया है। वीर आगो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आया हुआ है, देखो बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। ये वाला चलो बेटा जी याद रखें। हाँ ओ माशाल्लाह आज खुशी है जी, 80,000 पूरे हो गए और 80 हो गए। और ये देखे जी बालून शालून हो रही है, ये हो रहा है अब भी इसके बलून शलून सेट करते हैं। अच्छा अच्छा मैं भी करता हूँ, गुब्बारे बनाते हैं। सेलिब्रेशन है, इसकी सेलिब्रेशन है माशाल्लाह से, बहुत जल्दी से इसको फॉलो किया और बहुत जल्दी से कर दी है इसके लिए 1 साल तो लग गया। और ये इसको छोटे बच्चों का याशी देखे भाई आगे आ जाओ सारा, तुम भी आगे आ जाओ। इसको देखो, बहुत मुबारक हो भाई सबको, एडी साहब बहुत अरसे बाद। मुबारक हो आपको। अच्छा अभी केक खाना है यार। दे उसके बाद क्या है? केक के बाद खाना है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर माशाल्लाह घर। अच्छा नहीं उसके बाद अच्छा, आपकी डांस है ना। अच्छा जी साहब आपने मुबारक दी, खैर मुबारक, खैर मुबारक आपको भी मुबारक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे तरफ हमारी यूट्यूब फैमिली सबको मुबारक हो, पहले तो भी आप लोगों को मुबारक हो, 80 के पूरे हुए दिल भर के। तो सब जो आप लोगों की कामयाबी इसमें, इतना आप लोगों ने मोहब्बत की है तो हमारे पीछे, अरे ये चीज तो 80 के हुए। अरे क्या कर रहे हो भाई, अरे क्या कर रहे हो आप, बताए आपके कितने हुए? इसलिए इसके 80 के हुए आपके 100 के। ये इनका से साथ दे रहा हूँ यार, बच्चों का साथ दे रहा हूँ, साथ दे रहा हूँ, साथ दे रहा हूँ बच्चों का यार, साथ दे रहा हूँ। चलो 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 चलो, तुम नहीं फटा रही हो क्या है? फटा इसमें को डर रही है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? माशाल्लाह हमजा को देखो, इसको बहुत खुशी है। हाँ
उसने बलून देख लिया। आयत को आयत का फूल ही फटाना भाई, छोड़ दो एक दो, छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ दो। बच्चों की होती है माशाल्लाह, तो देखो बच्चों ने बहुत खुशी मना ली। आप सब लोगों को मुबारक हो जी, मेरी यूट्यूब फैमिली को सदा आप खुश रहे, ऐसे ही मतलब हम सेलिब्रेशन मनाते हैं आप लोगों के दुआओं से। ये केक आ चुका है और ये देखिए इन्हें खा रहे हैं सारा वीडियो, सबके पास केक आ चुका है और ये सब लगे हुए अपने अपने केकों में, बड़े भाई के साथ सारा और छोटे छोटे साहब, सुनाओ मज़ा है केक में सबको मुबारक जी। यूट्यूब फैमिली को मुबारक हो जी, जो इसने तावन किया है सबके हमारे के साथ, उनकी बहुत मेहरबानी है। अच्छा किस में, इसमें चीनी का यार हमने चीनी डाली हुई है। अच्छा इसके ऊपर भी हमने चीनी डाली हुई है। अच्छा तो आप ऐसा करें कि आप बोतलें भी दोनों चीनी वाली, बस देख के ही बस गुजारा कर ले आज। नहीं यार कृपा, बोतलें भी चीनी वाली है, चीनी वाली है, कोल्ड ड्रिंक भी इनमें, ये भी देख लें आप, ये हाँ इसमें चीनी होगी, उसमें भाई चीनी। चलो मैं आपको देखता हूँ आप खाना खाए, ठीक है। हमारा सबका खाना लग चुका है और इसे देखें मेरा और फरूख का, क्योंकि फरूख और मैं अलग बैठे हैं खाते हुए, और जो जा रहे हैं फरूख बैठे। कब तैयारी है पंजाब चले? हाँ चलेंगे बस दो तीन दिन। चल अब चलते हैं, चलते हैं अभी पंजाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह का रास्ता और बस्तर आबाद शाद रहे, सदा फूलों की तरह मुस्कराते रहें, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, जो कैदी अल्लाह ताला उन्हें रिहाई दे, बे औलाद को अल्लाह ताला औलाद दे, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। तो ये दुनियादारी है, चलती रहेगी, आते है कुछ जाता है कुछ, वैसे चल रहा है माहौल है दुनिया का, हैंकियाँ फेंकियाँ लग रही हैं। तो अजय का लोग ने, बेबो जी ने कहा कि मैंने पहल नहीं की थी गालियों की, नहीं आप लोगों ने बेबो जी आपने ही पहल की थी गालियों की, तब जब मतलब बाबर दिलबर और सब ने अपनी अपनी कहानी सुनाई, तो तब आपने शाम को ही व्लॉग बनाया, व्लॉग पड़ा हुआ है, आपने ही बोला भी आप बोलो दले हो बगैर, तो ये तुम्हारा गंदा है, तो फलान है ये वो, आप वहाँ से शुरू हुए, इतना गालियाँ आपने दी, इतना गालियाँ दी, इतना गालियाँ दी, नाकाबिल बर्दाश्त थी। खैर तो ये हो गया आपका जवाब कि गाली की शुरुआत आपने की थी जब जायद और सब हम लोगों ने कमेंट्स की थी कि भाई मुझे गाली नहीं देनी, तो गाली देने से क्या होगा, हम अपने मुंह गंदा करके बैठे। तो खैर अल्लाह ताला सबको अपना कर दे और अपनी अपनी सोच के साथ हर कोई चल रहा है, बाकी हम किसी की धमकी शमकी से नहीं डरते अभी, जिसने पैदा किया है जो दिन कब्र में बाहर नहीं है, जो कब्र में आ गया दिन तो क्या है अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा, कोई बात नहीं है, हम डरने वाले किसी से नहीं है अल्लाह की ज़ात के सिवा। तो बंदा कुछ नहीं कर सकता किसी का, ना मैं किसी का कर सकता हूँ ना और मेरा कोई किसी कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरा अल्लाह ताला ने जो कुछ लिखा है, ज़िंदगी मौत रिस्क पानी चलना फिरना मतलब बीमारी शफा ये वो सब मेरे अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने जो कुछ करना है करना है, तो भी जब अल्लाह ताला में मेरी तकदीर में लिखा है तो फिर मैं आमीन कह के सह लूँगा। तो खैर अब हम लोगों ने गाली गलौज के इसलिए गुरेज किया, अभी बहुत हो चुका मतलब बैटी पर ख़राबी बहुत हो चुकी है, इसलिए हम पीछे हट गए, बड़ों ने भी हमें बोला और सब यूट्यूब फैमिली जो है ना वो भी तंग आ चुके थे, हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं तो आप देख लें मेरा रोज तो ब्लॉग जो मतलब रिएक्शन पर नहीं होता, मेरा तो फैमिली ब्लॉग है रिएक्शन वाला है ही नहीं। तो खैर मैं सलमा बेटी से भी शिकवा कर रहा हूँ, असगर से भी कर रहा हूँ भी, आप लोग अपने जो हेटर आपके हैं उनके हटा दें और ये झगड़ा तलाफी जो हो रही है आप लोगों की वजह से हो रही है, हमारी तरफ से सब ख़त्म है, कोई कुछ नहीं कर रहा, जाहिद भाई भी किसी को कुछ नहीं कह रहा, अब सोनिया भी किसी को कुछ नहीं कह रही, मकसद है जितना जितना हमारे जो सपोर्टर थे हमने सबको रोक दिया, अभी कोई गाली गलौज नहीं दे और कोई हमारी तरफ से ऐसी गाली नहीं आएगी। खैर आपका अपना मुँह है अपनी सोच है, देते रहें हम क्या कर सकते हैं अभी आपका। तो खैर बाकी बात रही डराने धमकाने की, अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी से नहीं डरते, अल्लाह ने जब पैदा किया जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह ताला सांस ले देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है जी, हाजिर है हम। तो इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ आप लोगों को अच्छा लेके,
अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान रखे। अगर मेरा व्लॉग और ये बातें अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर करेंगे तो भाई आज दिलबर की सेलिब्रेशन हुई तो मैं भी आपको भी अंक बनता है अब खिलाने वाला हूँ। और दूसरी बात भाई, जैद भाई के हम साथ हैं, जितने इनके साथ कुछ बातें हो रही हैं इंशाल्लाह उनके साथ हैं, हक के साथ होंगे, गालियाँ गलोच नहीं देंगे। और दूसरी बात है अभी मैं मकान भी ढूंढ रहा हूँ और वसीम को इधर लाने की सोच रहा हूँ, या मैं पंजाब जाऊँगा या उन्हें वाइफ को और वसीम को यहाँ बुलाऊँगा, अपने बेटे को मकान की तलाश कर रहे हैं। तो खैर अल्लाह ताला सबको हस्त रखे, बादशाह रखे, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल कुछ आप लोग। आ रहे एक मोटरसाइक पर जा रहे, सब कहाँ जा रहे, घूमने जा रहे, यहाँ के मर्द और हम यहाँ पर मैं मस्जिद और ये देखो फ्रूट को घुमाने आगे चलते, देखते हैं परिंदे वगैरह, बहुत शौक है अभी परिंदे का इनके, देखते हैं हो रहा है इनको देख कर, ये जोड़िए भी देखो खूबसूरत है, प्यार से देख रहे हैं बजरी जोड़े को देखते हैं, माओ देखो छोटी माओ, हाँ ये बड़ी माओ है, 25,000 रुपये का इसकी ये है, कुछ कह रहा है नहीं, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, और ये शिकरा बैठा है, खिलौने खिलौने यहाँ पर रशी छोटे बच्चों का रहता है और बहुत सारे खिलौने होते हैं, पूरा हर चीज़ बचती है हमसे भी, हो गया पूरा और चल रहे हैं हम घर, और नहीं आगे चलते हैं कुछ और फरूक को दिखाते हैं भाई, एक मिला हेलमेट लिया बस, इतना देर बाजार में गिफ्ट में मिला, और शर्म और बोल रहे हैं देखने हैं फरूक भाई के लिए, फरूक बेटे को पसंद नहीं आ रही, देखते हैं कौन सी पसंद आती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, तो ये देखो जी मेरे पास आया हुआ है कौन, मेरा भतीजा उस्मान, क्या हाल है? ठीक चाचू आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक आप सुनो, सुनो कैसे काम शाम तेरा जा रहे? जी ठीक चल रहा है काम, बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक चल रहा है यार, ये तुम रोज चक्कर का बोल के फिर तुम 8-10 दिन के बाद आते हो, क्या वजह है? सॉरी सॉरी चाचू, वो बस कभी कभी बिजी हो जाता हूँ काम में। अच्छा तो फिर अभी मैंने कहा पहले चाचू से मिला हूँ, क्योंकि चाचू को पहले कहा था कि मैं आऊँगा। अच्छा तो व्लॉग कैसे चल रहे तेरे? व्लॉग चल रहा है लेकिन फिर भी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलो यूट्यूब फैमिली, इसे भी मतलब सपोर्ट की ज़रूरत है, इसके मतलब ज़रूर इसका व्लॉग देखा करें। चैनल का नाम है मोहम्मद उस्मान सलीम व्लॉग। अच्छा मोहम्मद सलीम, मोहम्मद उस्मान सलीम सलीम व्लॉग, अच्छा ओके जी, तो इसे ज़रूर जी सपोर्ट करें, इन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमारा बच्चा है बल्कि हमारा बेटा है, तो अल्लाह ने सलामत रखे, आपको बहुत अच्छे व्लॉग दिखाएगा ये, तो आप इन्हें इसका व्लॉग ज़रूर देखें। थैंक यू मिट्टू, मेरी चोरी कर रहा है, पता नहीं क्या निकाल रहा है, ये देख ये देख मिट्टू, यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा यार, क्या चाहिए तुम्हें बताओ? मेरे पास आया था उस्मान, तो इसलिए मैं कह रहा था अभी मैं, हमारा बच्चा है तो भाई उसका व्लॉग ज़रूर देखें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, क्यों भी उस्मान ने नया चैनल बनाया है तो उसका ज़रूर आप देखेंगे तो फिर मज़ा आएगा जी। तो जी मेरी यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग बन चुका है, अभी थोड़ी सी जो मेरी बातें हैं आपके साथ शेयर करनी है वो कर रहा हूँ। तो जी बहुत सारी बातें हमने वाइटी से छोड़ दिए, गाली गलोच गिला गलोच किसी से भी, आप तो समझते हैं सब मेरी यूट्यूब फैमिली जो भी दे रहा है जो कर रहा था, लेकिन ये मेरी जो सलमा बेटी के बंदे हैं वो नहीं ख़त्म कर रहे। तो खैर ये मेरी बेटी जो है ना सलमा मांगने आई थी इंसाफ, और उन्हें तो इंसाफ मिल गया, साथ साथ पूरे ख़ानदान को छोटे बड़ों को इससे इंसाफ दिलाया, ऐसा इंसाफ दिलाया कि दुनिया याद रखेगी। तो जी बेटी जी आपको भी मेरे ख्याल में इंसाफ मिल गया है, और हम बड़े चाचे को भी चाहे इंसाफ मिला है, और तुमने तो सबको इंसाफ दिलाया, छोटे बड़े ख़ानदान वालों को किसी को नहीं छोड़ा, दूध पीती बच्चों को भी, दूध जो पीता है ना फीट रहते बच्चा उसको भी आपने पिटवाने से नहीं छोड़ा, उस पर भी बुरी बुरी बातें हुई, तो खैर आपको इंसाफ मिल गया होगा मेरे ख्याल में,
अब तो आप कह रही हैं मैं मतलब बेहतरीन अपने लोग बना रही हैं, कभी आप आ जाती हैं, कभी असगर साहब आ जाता है किसी को कम्यूनिटी लगाने, किसी को बुरा भला कहने। तो जी हमारी तरफ से तो हमने सबको कह रहा हूँ भी गाली गलौज ख़त्म, गिला गलौज ख़त्म, अपने अपने टैलेंट दिखाए सब लोग, जिसमें जो टैलेंट है जो जिसका ब्लॉक है वो दिखाए, बाकी धमकियाँ शमकियाँ ये वो किसी से हम डरते नहीं हैं, अल्लाह की ज़ात के सिवा जिसने पैदा किया है उसी से डरते हैं। तो खैर तो सलमा बेटी आपसे मुझे गिराया भी, आप अपने जो तेरे बंदे हैं जिनको तूने चैनल वगैरह खोल के दिए हुए हैं तो उन्हें कहो जो भी हमें फिर भी बुला भला कहना छोड़ दें, हमने छोड़ दिया है, सो छोड़ दिया है, तो अच्छी बात नहीं है। बैठी पर जो गंद पड़ा था हमने खुद ही ख़त्म किया है क्योंकि बहुत बढ़ रहा था, ठीक है, हमने माफ़ी तलाफी इसलिए मांगी है भाई। हमारे साथ तो जो हो रहा था छोटी छोटी बच्चों पर बात आ गई थी, उसके बाद जिस जो मेरी YouTube फैमिली में छोटी छोटी माएँ बहनें छोटियाँ बच्ची कॉलेज की बच्चियाँ भी हमारे ब्लॉग देखती थी वो भी बेजार हो रही थी, और जो मुझे माएँ देखती थी, मेरी माएँ भी बहुत है मुझे देखने वाली, तो मेरी वाइफ को फ़ोन करके उन्हें भी बताया, कॉल करके बोला अभी ये अच्छी बात नहीं, उसे कहो अभी बंद कर दे ये, तो मेरी माओ ने भी कहा, बहुत सारे मुझे कॉल आए तो मैंने बंद कर दिया जी। तो मैं तो अब जो कुछ भी हो जाए मैं गाली गलौज नहीं दूंगा, जो गिला है मुझे मुंह से दूंगा और अच्छे तरीके से दूंगा, ठीक है, मुंह से कैसे अच्छे लफ्ज़ों से, वो जो क्या अपना गाली गलौज होती है वो मुंह से नहीं होती, वो गंद होता है, बस अल्लाह माफ़ी दे वो नहीं, वो मैं तो कहता हूँ वो इंसान मुँह से ऐसे लफ्ज़ कह ही नहीं सकता। तो खैर मैं तो अच्छे अच्छे लफ्ज़ों से कहूँगा सबको, भाई अच्छा अच्छा अपना ब्लॉग बनाए और ये गाली गलौज ख़त्म करते हैं हम, तो बाकी जो जिसको गिला वगैरह है वो चलती रहेगी। खैर तो ये सब जो लाया था सलमा बेटी ने सबका इसका किया धरा सलमा असगर साहब का है, क्योंकि बस ये ना बातें आती ना छोटे छोटे बच्चों हमारे ऊपर बातें होती। खैर अब तो इंसाफ मिल गया उन लोग को, तो अब मिल गया हो तो खुदा के लिए अब आगे कोई कम्युनिटी लगाना ये वो करना बंद कर दे, जब हम चुप हो गए तो आप भी चुप हो जाए, अच्छी बात है, तो किसी पर बात नहीं करें, आप इंसाफ तो मिल चुका है, छोटे छोटे बच्चों को भी मिल चुका है, हमें भी मिल चुका है, मेरे ख्याल में आपको भी मिल चुका है, सबको इंसाफ आप लोगों ने दिला दिया, आप लोगों ने जो जज वकील बिठाए हुए थे उन सब ने हमें जो इंसाफ दे दिया है। हमारे छोटे बच्चों पर जब बात आई ना तो फिर हमने समझा भी इंसाफ बहुत होने लगा है तो हम छोड़ दें, ठीक है, तो आपको भी इंसाफ मिल गया होगा, खुदा के लिए अपने बंदों को रोक दो, ठीक है, कि आगे गाली गलौज ना निकालें तो बेहतर है, बस हम इसलिए कह रहे हैं कि हम गाली गलौज ना निकालें, मुंह तो हमारा सिल नहीं गया, खैर हमने वादा कर दिया सो कर दिया भी हमें गाली नहीं देंगे, तो खैर अपने जो आपने यहाँ वहाँ बिठाए हुए ना दाएँ बाएँ बंदे तो उसे भी कहें भाई भी गाली गलौज ख़त्म कर दें, तो आपके ख़ानदान को बहुत बोलो ना सलमा बेटी, आप बोलो भी मेरे ख़ानदान को बहुत इंसाफ मिल चुका है तो अब इंसाफ की ज़रूरत नहीं है, ओके, तो कल मिलते हैं किसी अच्छी बात में किसी अच्छे व्लॉग में, मुझे उम्मीद है कि आप अपने बंदों को अच्छी तरीके से समझाएंगी, और नदीम साहब भी 1.5 साल के थे उसे भी कहानी याद है, क्या बात है भाई, हमने तो 6 साल का देखा था आपको, जब मेरी भाभी हम रुखसत करके लाए थे तो आप 6-7 साल के थे, तो मेरे ख्याल 1.5 साल के तो आप नहीं थे। खैर आपकी अपनी अपनी कहानी है, मैं भी अपनी कहानी पंजाब में जाके ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं अभी कराची में हूँ क्योंकि अपनी वालदा का सही शुरू करूँगा, अभी हम क्या थे क्या नहीं थे, तो हम ऐसे अमीर थे या गरीब थे क्या थे वो अल्लाह आलम हम ज़रूर बताएँगे, तो खैर सच ही बताएँगे, ऐसे नहीं बताएँगे कि हम 1.5 साल के थे, हम तकड़े सारे थे, तो जब मेरी माँ मुझसे बिछड़ी थी मेरे ख्याल में मैं 6-7 साल का था, तो मुझे हर बात याद है वो कैसे सऊदी अरब गई और मैं कैसे बंदा बेदर रह गया था पाकिस्तान में, तो सब बातें हम बताएंगे, लेकिन वो जब कोई इंसान को बातें याद होती है ना जितने साल का होता है तो फिर 7-8 साल के बच्चे को याद रहती है बात, 1.5 साल वाले को तो दूध भी याद नहीं रहता भाई, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोग के लिए, तो सलमा बेटी के फिर वही पैगाम है कि भाई इंसाफ मिल चुका है आप लोगों को और हमें भी आप लोगों ने बहुत सारा इंसाफ दिला दिया, कब्र तक याद रहेगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, तो अपने बंदों को रोक लो,
अगर भी लोग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कल मिलते हैं कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए।